द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 3 सीन 3 का लोकेशन है वेनिस, जहाँ पे एक स्ट्रीट में ये सीन हो रहा है। शाइलॉक, सेलेरिनो एंटोनियो और गाउलर सभी एंटर करते हैं। गाउलर यानी जेलर। ये बहुत छोटा सा सीन है जिसमें हम लोग देखेंगे कि एंटोनियो बार बार शाइलॉक से रिक्वेस्ट करेगा कि उसका बात सुन लिया जाए, लेकिन शाइलॉक कुछ सुनना नहीं चाहता। वो यही बोलेगा, लुक टू द बॉन्ड। हम लोग को पता है कि एंटोनियो और शाइलॉक के बीच में एक बॉन्ड साइन हुआ है, जिसके तहत अगर एंटोनियो शाइलॉक को बोरो किया हुआ मनी समय पे नहीं देता है तो शाइलॉक एंटोनियो के बॉडी में से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ले लेगा। तो जब एंटोनियो देखता है कि शाइलॉक उसका बात नहीं सुन रहा है तो अपने फ्रेंड सेलेरिनो से बोलता है कि लगता है कि शाइलॉक उसका जान लेके ही रहेगा, और वो बेसानियो के आने का इंतज़ार करता है। तो शुरू करते हैं, शाइलॉक का पहला डायलॉग है, गाउलर लुक टू हिम टेल नॉट मी ऑफ मर्सी। शाइलॉक जेलर से बोल रहा है, कीप हिम और मेरे से मर्सी के बारे में कोई बात मत करो। दिस इज़ द फूल दैट लेंट आउट मनी ग्रैटिस। वो एंटोनियो के लिए बोल रहा है कि यही वो बेवकूफ़ है जो अपने पैसे को दूसरों को बिना इंटरेस्ट के देता है। गाउलर लुक टू हिम, वो वापस बोल रहा है कि गाउलर इसको देखो, जेलर इसको देखो। तो एंटोनियो बोलता है, हियर मी येट गुड शाइलॉक। एंटोनियो शाइलॉक से बोल रहा है कि मेरे को सुनो शाइलॉक। तो शाइलॉक बोल रहा है, आई विल हैव माई बॉन्ड, स्पीक नॉट अगेंस्ट माई बॉन्ड, आई हैव स्वॉर्न एंड ओथ दैट आई विल हैव माई बॉन्ड। वो यही चीज़ बोल रहा है कि हम अपने बॉन्ड के हिसाब से तुम्हारा फ्लैश लेके रहेंगे। दाउ कॉल्स्ट मी डॉग बिफोर दाउ हैड्स्ट अ कॉज, यानी जब तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं था तब भी तुम मेरे को बेवजह डॉग बोले। बट सिंस आई एम अ डॉग, बिवेयर माई फैंग्स, बोल रहा है, और क्योंकि हम एक डॉग है ना तो मेरे टीथ से तुम बच के रहो। द ड्यूक शैल ग्रांट मी जस्टिस, आई डू वंडर thou naughty gauler that thou art so fond to come abroad with him at his request। बोल रहा है कि ड्यूक जो है, ड्यूक ऑफ वेनिस, वो मेरे को इंसाफ दिला के रहेंगे, और आई डू वंडर, मतलब हम आश्चर्य में हैं कि तुम naughty gauler यानी यूजलेस जेलर, तुम इस आदमी को, तुम एंटोनियो को उसके रिक्वेस्ट पे बाहर ले आए। यानी तुम, हम तुमको बोले थे कि तुम एंटोनियो को जेल में रखना और तुम इसके रिक्वेस्ट पे तुम इसको बाहर ले आए, तुम तो बिल्कुल यूजलेस हो, किसी काम के नहीं हो। तो एंटोनियो बोलता है, आई प्रे दी हियर मी स्पीक, बोल रहा है कि मेरा बात तो सुन लो, हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो शाइलॉक बोलता है, आई विल हैव माई बॉन्ड, आई विल नॉट हियर दी स्पीक, हम अपना बॉन्ड के हिसाब से जो भी करना है वो करके रहेंगे और हम तुम्हारा कोई बात सुनना नहीं चाहते। I will have my bond and therefore speak no more. I will not be made a soft and dull-eyed fool to shake the head, relent and sigh. शाइलॉक बोलता है कि हम कोई बेवकूफ़ नहीं है जो relent कर जाएंगे, मतलब कि जो तुम्हारे बात सुन के अपना जो मेरा जो माइंड मेकअप किया हुआ है बदला लेने का, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। एंड ईल टू क्रिश्चियन इंटरसेसर्स, और हम क्रिश्चियन इंटरवेंशन, हम लोग पहले सुने हैं कि लोरेंजो या सेलेरिनो ये बात बोलता है कि शाइलॉक को परसुएड मैग्निफिकोस, जो कि रिचेस्ट नोबलमैन है, वो भी नहीं कर पाए। 20 मर्चेंट्स और ड्यूक ऑफ वेनिस सभी कोई कोशिश किए कि शाइलॉक का माइंड को डिविएट कर दे, कि शाइलॉक एंटोनियो से रिवेंज जो लेने पे तुला हुआ है उसको उस डायरेक्शन से हटाने का इतने सारे लोग कोशिश किए। तो क्रिश्चियन इंटरसेसर्स का यही मतलब है कि ये सभी लोग, जिनमें से अधिकतर क्रिश्चियंस थे, वो लोग इंटरवीन किए, बीच में आए शाइलॉक के माइंड को डिविएट करने के लिए। तो शाइलॉक बोल रहा है कि आई विल नॉट ईल टू क्रिश्चियन इंटरवेंशन, यानी इनके कुछ भी बोलने पे हम अपना माइंड नहीं बदलेंगे। फॉलो नॉट, आई विल हैव नो स्पीकिंग, आई विल हैव माई बॉन्ड, बोल रहा है मेरे पीछे मत आओ, एंटोनियो से कह रहा है, हम तो अपने बॉन्ड के हिसाब से जो करना है वो करके रहेंगे, और वो चला जाता है। सेलेरिनो बोलता है, इट इज़ द मोस्ट इम्पेनिट्रेबल कर, यानी दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट डॉग टू प्लीज़। कर यानी डॉग,
तो इस डॉग को प्लीज करना या इस डॉग का माइंड डिविएट करना बहुत मुश्किल है। दैट एवर केप्ट विथ मैन, मतलब ये ऐसा डॉग है, ऐसा बहुत डिफिकल्ट डॉग है जो कि मैन लोगों के साथ रहता है। एंटोनियो, लेट हिम अलोन, आई विल फॉलो हिम नो मोर विथ बूटलेस प्रेयर्स। एंटोनियो बोलता है कि इसको जाने दो, क्योंकि अब हम और इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। मेरा प्रेयर्स जो है वो यूज़लेस जा रहा है, मेरे प्रार्थना पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, शाइलॉक मेरा बात सुनने को तैयार नहीं है। ही सीक्स माई लाइफ, हिज़ रीज़न वेल आई नो। बोल रहे हैं कि शाइलॉक तो मेरा लाइफ लेने पे तुला हुआ है और हम जानते हैं कि इसका कारण क्या है। आई ऑफ्ट डिलीवर्ड फ्रॉम हिज फोर फीचर्स मैनी दैट हैव एट टाइम्स मेड मून टू मी। आई हैव ऑफन गिवन मनी विच आई अक्वायर्ड फ्रॉम शाइलॉक्स पेनल्टीज फॉर नॉन पेमेंट टू दोज हु रिक्वेस्टेड मी। कई बार शाइलॉक जब समय पे पैसा को जो कि वो बोरो किया हुआ था, जब उसको वो समय पे पेमेंट नहीं किया तो पेनल्टी दिया जाता है ऐसा होने पे। तो शाइलॉक का जितना भी पेनल्टी था उसको यूज़ करके उस पेनल्टी वाले पैसे को एंटोनियो उन लोगों को दिया जो एंटोनियो से पैसा मांगने का रिक्वेस्ट किए थे। तो एंटोनियो बोल रहा है कि क्योंकि शाइलॉक से हम पेनल्टी लिए और शाइलॉक के पेनल्टी वाले पैसा को इस तरह दिए, तो इसीलिए वो मेरा जान लेने पे तुला हुआ है। देयरफोर ही हेट्स मी, इसीलिए शाइलॉक मेरे से नफरत करता है। सेलारिनो, आई एम श्योर द ड्यूक विल नेवर ग्रांट दिस फॉरफीचर टू होल्ड, विल नेवर अलाउ दिस पेनल्टी टू बी पेड। तो सेलारिनो जो एंटोनियो का फ्रेंड है वो बोल रहा है लेकिन ये वाला जो पेनल्टी है, क्योंकि अभी तो एंटोनियो उस पोजिशन पे है, अभी तो एंटोनियो समय पे शाइलॉक से बोरो किया हुआ मनी को नहीं दिया है, तो अभी एंटोनियो का पेनल्टी देने का समय है। तो सेलारिनो बोल रहा है कि जो ड्यूक ऑफ वेनिस हैं, जो एक तरह से वेनिस के जस्टिस सिस्टम को सिंबलाइज करते हैं, वो एंटोनियो को पेनल्टी देने से मना कर देंगे। एंटोनियो, द ड्यूक कैनॉट डिनाई द कोर्स ऑफ लॉ फॉर द कमोडिटी दैट स्ट्रेंजर्स हैव विद अस इन वेनिस। इफ इट बी डिनाइड विल मच इम्पीच द जस्टिस ऑफ हिज स्टेट। एंटोनियो बोल रहा है कि जो ड्यूक ऑफ वेनिस हैं वो लॉ के हिसाब से ही चलेंगे, न्याय व्यवस्था की को ध्यान में रख के ही चलेंगे, और द कमोडिटी का यहाँ पे मतलब है द राइट। तो स्ट्रेंजर्स के पास या फिर वेनिस में ज्यूज के पास जो भी अधिकार है उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए ही ड्यूक ऑफ वेनिस कोई काम करेंगे, क्योंकि अगर वो राइट नहीं दिया जाएगा, इफ़ इट बी डिनाइड, तो ये वेनिस के जस्टिस सिस्टम के खिलाफ होगा। सिंस दैट द ट्रेड एंड प्रॉफिट ऑफ द सिटी कंसिस्टेड ऑफ ऑल नेशंस। वेनिस का जो ट्रेड है, वेनिस जिस तरीके से प्रॉफिट अर्न करता है वो कंसिस्ट करता है सभी नेशंस को, यानी सभी नेशंस को ध्यान में रख के ही, मतलब हर जीव का, हर स्ट्रेंजर का, हर सिटीजन का जो अधिकार है उसको ध्यान में रख के ही वेनिस अपना प्रॉफिट अर्न कर पाता है और इस सिटी में ट्रेड अच्छे से काम करता है। देयरफॉर गो, दीज ग्रीफ्स एंड लॉसेस हैव सो बेटेड मी दैट आई शैल हार्डली स्पेयर अ पाउंड ऑफ फ्लैश टुमारो टू माई ब्लडी क्रेडिटर। एंटोनियो सेलारिनो से बोलता है कि तुम चले जाओ, क्योंकि ये जो दुख है और जो मेरे को नुकसान हुआ है वो मेरे को इतना ज़्यादा थिन बना दिया, इतना ज़्यादा दुर्बल बना दिया है कि मेरे पास एक पाउंड ऑफ फ्लैश होगा ही नहीं अपने ब्लडी क्रेडिटर को देने के लिए। ब्लडी क्रेडिटर वो यहाँ पे शाइलॉक के लिए यूज़ कर रहा है, क्योंकि शाइलॉक उसके खून का प्यासा है। वेल गाउलर ऑन, प्रे गॉड बेसानियो कम टू सी मी पे हिज डेब्ट एंड देन आई केयर नॉट। एंटोनियो बोल रहा है कि जेलर तुम भी जाओ और भगवान से प्रे कर रहा है कि अगर बेसानियो आ गया अपना कर्ज चुकता करने के लिए तो उसके बाद हम किसी चीज़ का परवाह नहीं करते हैं। और फिर दोनों चले जाते हैं एंड द सीन एंड्स।